नमस्कार। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अर्थात रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना पर आपको टेस्ट पेपर दे रहे हैं। टेस्ट देने से पहले आप कोविड सुरक्षा के लिए ये संदेश जरूर पढ़िए। If you wear a mask, you save 90% from infection. साथ में रखो ये तीन यार, मास्क, दूरी और साबुन। कोविड से बचे रहो लगातार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने ये संदेश दिया है, तो आप जरूर इसका ध्यान रखें। आज का जो टेस्ट है उसके टोटल मार्क्स हैं 24। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई आपका जो है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। In 1927, valency bond theory was proposed by, अर्थात 1927 में संयुक्तता बंध सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? A. हिटलर एंड स्लेटर, B. हिटलर एंड लिंडन, C. हिटलर एंड पाउलिंग एंड D. हिटलर एंड पाव। एक इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपको सेलेक्ट करके कॉपी में लिखना आंसर को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ VSEPR थ्योरी? VSEPR सिद्धांत का पूरा नाम क्या है? ए वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बी वेरी शार्प एनर्जी पीक रिफ्लेक्शन थ्योरी, सी वी शेप्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल रिपल्शन थ्योरी, डी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिफ्लेक्शन थ्योरी। तो इसमें से भी आपको एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं? ए 4 सिग्मा एंड 2 पाई, बी 5 सिग्मा एंड 1 पाई, सी 4 सिग्मा एंड 3 पाई, डी 2 सिग्मा एंड 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा अणु sp2 संकरण का उदाहरण नहीं है? ए Ba3, बी Bcl3, सी Na3, डी C2H4। क्वेश्चन नंबर 5, इन H2O मॉलिक्यूल देयर इज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज बॉन्ड एंगल इन H2? H2O अणु में sp3 संकरण है, तो H2O में बंधन कोण का मान क्या होगा? तो आपको यहाँ पर देखना है, ए 107 डिग्री, बी 104.5 डिग्री, सी 109 डिग्री 28 मिनट एंड डी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? किस अणु में अधिकतम बंध कोण होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए H2O, बी N2O, सी CH4, डी CO2। तो इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है। द ज्योमेट्री ऑफ Ba3 मॉलिक्यूल इज, Ba3 अणु की ज्यामिति है, ए टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की, बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, सी ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतली, डी ट्राइगोनल पिरामिडल त्रिकोणीय पिरामिडी। यहाँ पर Ba3 में आपको पता करना है संकरण कौन सा होता है, इसकी ज्यामिति कौन सी। आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की ज्यामिति को पहचाने। यहाँ एक आपको अमोनिया का जो है
चित्र दिया है रंग का, और इसमें इसकी ज्यामिति कौन सी है उस ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना है। ए है टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय, बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, सी ट्राइगोनल प्लानर त्रिकोणीय समतली, और डी है पिरामिडल पिरामिडल यानी पिरामिडल। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आप इस चित्र को देख करके और पहचाने। अगला है आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, दिए गए अणु की ज्यामिति को पहचाने। यहाँ पर भी अगला है कि आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की सी एल फाइव देख रहे हैं। तो ए है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, सी है ट्राइगोनल प्लानर त्रिकोणीय समतली, और डी है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। यहाँ भी एक ऑप्शन को आपको कॉपी में नोट करना है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, यह आणविक कक्षीय आरेख किस अणु का है। यहाँ आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यानी आणविक कक्षक आरेख देख रहे हैं, और आपको बताना है कि इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा। ए है एम टू प्लस, बी एम टू, सी ओ टू, और डी ओ टू प्लस। तो आप इस चित्र को देखिए और आप उससे गैस कीजिए कि ये किस अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा सही बंधन क्रम है। ए आप ये देख रहे हैं ओ टू प्लस प्लस इज ग्रेटर देन ओ टू प्लस इज ग्रेटर देन ओ टू देन ओ टू माइनस देन ओ टू माइनस माइनस, फिर बी है ओ टू ग्रेटर का साइन है ना। ये ढंग से देखिए इनको सबको, फिर सी ऑप्शन देखिए और डी ऑप्शन। तो इनमें से बॉन्ड ऑर्डर का जो करेक्ट ऑर्डर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू वन बाई टू एन ए माइनस एन ए वन, उस फॉर्मूले से आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। प्रतिबंधी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रतिबंधी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अंतर का जो है आधा बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन पैरामैग्नेटिक नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय प्रकृति में नहीं है। एन टू माइनस माइनस, एन टू माइनस, एन टू और एन टू प्लस। तो यहाँ पे भी आपको ये करना है कि कौन सा जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपको।